आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये एक स्विम फार्म है और लगभग 10 एकड़ का स्विम फार्म है ये, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का कल्चर होता है हर जगह का, और वियतनामी कल्चर यहाँ पे होता है जनरली। लिटोपिनियस वियतनामी जो सफ़ेद झींगे की स्पीसीज है, उसका कल्चर यहाँ पे होता है। तो पूरी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे आज की, जो पीनियस वियतनामी का कल्चर है वो किस तरीके से होता है। स्टॉकिंग का टाइम आ चुका है और स्टॉकिंग जो है कई तालाबों में यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अभी कई तालाब ऐसे हैं जहाँ स्टॉकिंग होनी है। उसके पहले पॉन्ड नर्सरी में रखा गया है और नर्सरी पॉन्ड को एक्लेमेटाइजेशन के बाद जब सीड आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर उसको हम अगेन, जो ये पॉन्ड आपके चारों तरफ दिख रहे हैं इनमें हम स्टॉक करेंगे। तो आइए चीज़ें देखते हैं। आपको बताऊं कि ये राजस्थान का एरिया है और राजस्थान के एरिया में जो पानी की कमी होती है उस कारण से यहाँ पे पॉन्ड लाइनर के पॉन्ड का उपयोग किया गया है, है ना। और पूरा का पूरा जो एरिया है वो रेतीला है और रेतीले होने की वजह से यहाँ पे सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता है वो बहुत कम होती है। इस कारण से पॉन्ड लाइनर लगाना आवश्यक हो जाता है ताकि मिट्टी जो है वो पॉन्ड में, पॉन्ड की जो पानी की क्षमता है वो बनी रहे। तो पन्नी जो है वो पानी को रिसने से रोक देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके के जो पॉन्ड है बनाए जाते हैं। और जो पीनियस वियतनामी है ये बहुत अच्छी स्पीसीज और बहुत ज़्यादा कल्चर होने वाली स्पीसीज है लिटोपिनियस वियतनामी, और इसका कल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और साथ साथ अपना ये हरियाणा के जो एरिया है यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ का जो मेन बोरिंग का पानी है वो खारा है और खारे पानी होने की वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल पीपीडी है वो 10 के ऊपर रहती है, लगभग 16 के आसपास की इस पॉन्ड की सैलिनिटी जो है वो देखी गई है। 16 पीपीडी के आसपास की सैलिनिटी है वो देखी गई है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो नमक है वो यहाँ पे ज़्यादा है पानी में, उस कारण से भी वियतनामी और श्रिम्प कल्चर में यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि जो श्रिम्प होता है वो बेस होता है मिनरल्स पे। मिनरल्स की अवेलेबिलिटी जितनी होगी उतना ही ज़्यादा श्रिम्प को फ़ायदा होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सब चीज़ें जो हैं उसको ज़्यादा चाहिए पोटेशियम के साथ साथ। तो यहाँ का पानी जो है वो फेवरेबल है श्रिम्प कल्चर के लिए। तो आइए आज हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉन्ड हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको थोड़ा एक पॉन्ड की विजिट कराता हूँ। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के ये पॉन्ड बने हुए हैं। हर पॉन्ड के लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का एक पॉन्ड है। तो 40,000 स्क्वायर फीट का एक पॉन्ड जो है, इस तरीके के यहाँ पे 6 पॉन्ड हैं। और इन पॉन्ड जिनमें आपको अभी पेडल व्हील एरेटर चलते हुए दिख रहे हैं, तो इस तरीके के पॉन्ड में अभी जो है स्टॉकिंग हो चुकी है। 2 से 3 दिन हुए इनमें स्टॉकिंग हुई हुई, तो इस कारण से इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है वो पावर हाउस आपको दिख रहा है, जनरेटर चल रहे हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्ट पावर हाउस है, वहाँ से ये मोटर और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है आपको पेडल व्हील एरेटर चलते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको लगभग ये 1 HP 2 HP के आसपास का होगा जो आपको इस पॉन्ड में लगा वो दिख रहा है। ये 1 2 3 2 3 3 एरेटर लगभग एक पॉन्ड में लगाए गए हैं, है ना। और एक पॉन्ड की जो साइज है वो 200 बाई 200 है, यानी 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एक पॉन्ड यहाँ पे है। मिट्टी आपको दिखाऊँ तो मिट्टी एकदम यहाँ की रेतीली है। ये आप फिर से देखिए, स्टॉकिंग वाले वीडियो में ही मैंने बताया हुआ, एकदम रेतीली मिट्टी है ये। आप पूरी की पूरी मिट्टी देखिए किस तरीके की है ये मिट्टी, और पानी तो इसमें किसी भी हालत में टिक नहीं सकता, तो इसलिए ये टारपुलिन के पॉन्ड ही यहाँ पे सक्सेस है। ये देखिए, पूरे के पूरे पॉन्ड जो हैं वो पन्नी लगा के ही सक्सेस हो सकते हैं, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे इस तरह के पॉन्ड बनाए जाते हैं। अब ये जो पॉन्ड आपको सामने दिख रहा है, अभी इस पर स्टॉकिंग नहीं हुई है। ये 2 3 3 या 4 पॉन्ड ऐसे हैं जिनमें स्टॉकिंग नहीं हुई है। इन 2 पॉन्ड में स्टॉकिंग हो चुकी है और 4 पॉन्ड में स्टॉकिंग हो 2 पॉन्ड में स्टॉकिंग हो चुकी है, जिसमें अब फीडिंग, एयरेशन और कई चीज़ें जो हैं वो मिलाई जा रही हैं, ठीक है। ये आप पेडल व्हील एरेटर को पास से चलते हुए देख सकते हैं।
किस तरीके का ये होता है। तो अब हम पूछते हैं कि कितना बच्चा एक पॉन्ड में स्टॉक किया गया है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं इस ड्रम में गुड़ के मोलासिस और कार्बन के सोर्सेस के जो प्रोबायोटिक्स हैं वो मिले हुए रखे हुए हैं इस ड्रम में। 2337 एक इसमें है। अच्छा इसमें सर कितना होगा एक पॉन्ड में स्टॉकिंग? 1.25 लाख के करीब। एक पॉन्ड में 1.25 लाख है ना, 40,000 स्क्वायर फीट में लगभग 1.25 लाख। पीएल साइज वही 8 के आसपास। हाँ वो 8719। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉन्ड में 40,000 स्क्वायर फीट के एक पॉन्ड में लगभग 1.25 लाख का बच्चा यानी 1,15,000 के आसपास की बच्ची स्टॉक है। पीएल साइज सबका सेम है, 8 से 10 के बीच में है, 8 ही है मान के चलिए, 8 से नीचे ही है जो इनका कहना है। तो पूरा का पूरा श्रिम्प फार्म आपको दिखाऊं तो ये जो राजस्थान और हरियाणा का लगा हुआ एरिया है इसमें आपको वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो खारे पानी के रूप में ही मिलेगी। श्रिम्प फार्मिंग यहाँ बड़ी तेज़ी से चल रही है और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ के फार्मर्स को मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कि श्रिम्प फार्मर्स को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगभग बताया मैंने आपको कि सैलिनिटी इसकी हाई होती है और इसकी जो सैलिनिटी है वो यहाँ पे इस पानी की 16 PPT है। और आपको सामने वाले पॉन्ड पे ले चलता हूँ। तो सामने वाले पॉन्ड पे अभी स्टॉकिंग नहीं है, थोड़ा सा वाटर फिल है इस पर, ज़्यादा नहीं है अभी। इस पर जब स्टॉकिंग होगी तो इस पर आपको दिखेगा, ये देखिए टारपोलिन के पॉन्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। और पूरा का पूरा पॉन्ड अभी खाली है ये, और वो वाले पॉन्ड पे स्टॉकिंग होनी है इसलिए वो भरा हुआ है, ठीक है। ये छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि सीड स्टॉकिंग, रहने के लिए, लेबर के और कई चीज़ों के लिए जो आवश्यक होते हैं, तो छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर 2-4 कमरों के लोग बना के रखते हैं। ट्रैक्टर ज़रूरी होता है क्योंकि कई काम इससे होते रहते हैं, है ना। अभी पैडल भी एरेटर बंद हो चुका है, ये लोग शिफ्ट में चलाते हैं यहाँ पे एरेटर को क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी गांव में बहुत कम है। 16 घंटे कहीं 10 घंटे ऐसी बिजली आती है, तो इस कारण से ये जो बिजली का सिस्टम है उसको यूटिलाइज करने के लिए कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और यही एक सही होता है कि आप एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर या किसी भी फार्मिंग सिस्टम में आते हैं तो आपको चाहिए कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो कम रहे और जो पैसा है वो ज़्यादा मिले, है ना। इस तरीके से पानी जो है ये दिख रहा है आपको कि बोरिंग का सिस्टम है और यहाँ बोरिंग का ही नॉर्मल पानी जो है वो खारा होता है और इस कारण से यहाँ पे जो मछली की स्पीसीज हैं वो कम होती हैं और ज़्यादातर जो श्रिम्प की स्पीसीज हैं उन्हीं का कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो ये इस पे सर अभी क्या रखा है, इस पे कुछ है? मिनरल है ना, फॉर्मुलेटेड मिनरल मिक्सचर आते हैं उसको यहाँ पे श्रिम्प में यूज़ किया जाता है क्योंकि मिनरल की एफिशिएंसी से श्रिम्प की ग्रोथ पे और सर्वाइवेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो मिनरल मिक्सचर आजकल तो बाज़ार में बने हुए आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है पॉन्ड में शिफ्टिंग में, ये मिनरल डालने होते हैं क्योंकि श्रिम्प की जो एक्टिविटीज़ हैं डेली एक्टिविटीज़ उन पे मिनरल का बहुत महत्व होता है, तो इस कारण से मिनरल का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये मिनरल मिक्सचर है क्या? नहीं। हाँ तो क्या? अच्छा अच्छा सीजन, ठीक है ठीक, ईस्ट है। तो कई तरीके के प्रोबायोटिक्स के सोर्स और कई तरीके के कार्बन के सोर्स यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, है ना। और फीडिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी आपको देने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 3 टाइम या 2 टाइम की फीडिंग करा के आप कल्चर को ग्रो कर सकते हैं। आपको लगभग पेप्टीजेल हो गए, मतलब एक तरीके से फीड बाइंडर जो होते हैं, फीड अट्रैक्टेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, विटामिन सी के होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं टाइम टाइम पे, अगर ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है और बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के कारण मॉर्टिलिटी अगर हो रही है बच्चों में, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत ही तरीके से ऑक्सीजन टैबलेट, ऑक्सीजन ग्रैन्यूल का उपयोग करना पड़ सकता है क्योंकि ये पॉन्ड में पानी में तुरंत ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती हैं। तो इस तरीके से आपको पॉन्ड में
ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को पूरा करना होता है। ये जो पॉन्ड आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं इनमें स्टॉकिंग हो चुकी है, और स्टॉकिंग होने के बाद के जो काम है वो चल रहे हैं, लाइक फीडिंग कराना, एरेशन कराना, और साथ साथ उसके साथ मिनरल मिक्सचर देना, सप्लीमेंट देना। तो ये एक डेली एक्टिविटीज़ है। एक नॉर्मल स्ट्रिम फार्म जो होता है वो 24 घंटे का बिजी होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोपहर के टाइम, जो टेम्परेचर है गर्मी का, अभी तो अप्रैल का मौसम शुरू हुआ है और अप्रैल के बाद जो मई जून आएगा उसमें यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 47-48 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो इस हाई टेम्परेचर में कल्चर को मेंटेन करना, कल्चर को बराबर चलाए रखना, और साथ साथ पैरामीटर्स को मेंटेन करना, वर्कर्स का काम करना, फीडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर राजस्थान और हरियाणा के इस एरिया में जहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा होता है। तो पूरे श्रिम्प फार्म में आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की कमी है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोकल पेड़ पौधों की स्पीसीज होती है, लाइक नीम और कुछ कटीले झाड़ियाँ हैं, लेकिन जो अपन नॉर्मल पेड़ पौधे देखते हैं यहाँ पे नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ऐसी है नहीं। तो एक आइडियल श्रिम्प फार्म का व्यू आपको बताऊँ तो इस पर निर्भर है कि आप किस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट के छः पॉन्ड हैं और इनमें से 2 में स्टॉकिंग हो चुकी है, 4 में स्टॉकिंग होनी है। टोटल पॉन्ड का एरिया 10 एकड़ के आसपास का है। 10 एकड़ के इस पूरे एरिया में नर्सरी पॉन्ड, 6 स्टॉकिंग पॉन्ड और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हाउस है, और ये आप देख रहे हैं कि पूरे चारों तरफ एक वो बिछा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, वायर का, पाइप का, क्योंकि इंटरकनेक्टेड करना ज़रूरी होता है और एक साथ ही कई जगह एरेशन पहुंचाना है, एक साथ ही कई जगह ये छोटे छोटे लाइमिंग के लिए और छोटे छोटे ड्रम काट के रखे हुए हैं, इनको टाइम टाइम पे लाइमिंग के लिए, फीडिंग के लिए, मिनरल सप्लीमेंट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोलासिस का भी इस्तेमाल कहीं कहीं करते हैं लोग कार्बन की सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है यहाँ पे, है ना। अगर आप फीडिंग और श्रिम का प्रॉपर, अभी ये जो है ये देखिए पूरा पानी एकदम क्लीन है, अभी इसमें स्टॉकिंग होनी है। और इस तरीके के 2 और पॉन्ड हैं ये आप खाली देख पा रहे हैं, इनमें अभी स्टॉकिंग होनी है। तो पूरा का पूरा जो वियतनामी का कल्चर है वो प्रॉफिटेबल इस तरीके से बन रहा है क्योंकि उसमें मेहनत और इनपुट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों का कॉस्ट है, फीड का कॉस्ट है, सप्लीमेंट का कॉस्ट है, मेडिसिन का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट लगती हैं। तो इतना आसान नहीं है सिम का कल्चर करना, और मुश्किल कल्चर है तभी तो ज़्यादा वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है और अच्छी ईल्ड भी लोगों को देता है। ये दोनों पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि ये अभी खाली हैं, इनमें स्टॉकिंग होनी है, ठीक है। तो ये पेडल व्हील एरेटर हैं जो लगाए जाते हैं कहाँ पे, आपके पॉन्ड के बीच में एरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये इस माहौल में, राजस्थान और हरियाणा के इस माहौल में कल्चर करना और कल्चर को ग्रो करना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है, और साथ ही कई दिक्कतें आती हैं फार्मर्स को कल्चर करने के दौरान। और आप लोग भी जो श्रिम्प फार्मिंग के फार्म का डिज़ाइन करना है या फिर चीज़ें आपको जाननी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इस जानकारी मिल ही गई होगी, एक नॉर्मल आउटलेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं श्रिम्प के फार्म को, कल्चर को शुरू करने के लिए। और ख़ासकर ऐसे एरिया अगर आपके पॉन्ड, आपके पास मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी है तो फिर आपको पॉन्ड लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उस कारण से आपको ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके के इंक्यूबेशन टैंक या नर्सरी टैंक कह लीजिए इनकी भाषा में, ये आपको दिखते हैं। इनमें एरेशन, अभी बच्चे हैं उसमें एरेशन दिया जा रहा है, और एरेशन के बाद बच्चों को 3 से 4 दिन के बाद पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, है ना। वाटर फिलअप पॉन्ड वो वाला है, उसी में शिफ्ट किए जाएंगे। एक पॉन्ड में लगभग ये 1.5 लाख से 1.5 लाख बच्चे स्टॉक करते हैं। तो यकीन है कि इस छोटी सी फार्म विजिट में बहुत अच्छे तरीके से तो मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मौसम का बहुत दिक्कत है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हवाएं चल रही गरम गरम, तो इतना आसान नहीं है ये इस तरीके की वीडियो बनाना। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब इससे थोड़ा बहुत भी अगर सीख पाएँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। यकीन है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और पूरे के पूरे श्रिम्प फार्म से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, देखा होगा, और जो चीज़ आप जानते नहीं हो सकता है उसको आपके बारे में जानकारी मिले।
और भी कुछ चीज़ें आपको लगता है कि मैं बता सकता हूँ या आप पूछ सकते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई डाउट है या कोई सजेशन देना है, तो आप मुझे कमेंट पे कर सकते हैं, कमेंट पे बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, सभी तरह की फिश फार्मिंग से जुड़े जानकारियों के लिए, सभी तरीके से जो कल्चर है कि स्पीसीज़ के छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए इंक्रेडिबल फिशरीज, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फार्मर्स के बीच में, एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, और जो भी फिशरी सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनके बीच में ले जाए, ताकि सभी को इस तरीके की जानकारियाँ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करें, फेसबुक पे हमको हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम आपके साथ बने रहें। और भी कोई ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।